मेरा नाम राकेश है, मैं उड़ीसा झारसुगुड़ा डिस्ट्रिक्ट का हूँ और मैं उड़ीसा टीम की तरफ से डिफेंडर खेलता हूँ। हेलो, मैं प्रवीण तिगा हूँ, मैं उड़ीसा स्टेट राउरकेला से रहने का वाला हूँ और मैं संतोष ट्रॉफी स्टॉपर बैक खेलता हूँ। मेरा गांव से ही हम लोग का सीनियर लड़का लोग खेल रहे थे तो बचपन से ही उन लोग को देख देख के फुटबॉल में इंटरेस्ट आया और मैं 2010 में अपना संबलपुर हॉस्टल है, अपना गवर्नमेंट हॉस्टल जो हमारा उड़ीसा गवर्नमेंट है उसको ये किया है, तो उसमें मैं 2010 से उधर ज्वाइन किया और मेरा कोच था उधर गंगाधर बेहरा, तो उसके अंडर में मैं कोचिंग लिया और 2011 में मेरे को इंडिया कैंप के लिए कॉल आया और मैं तब इंडिया टीम के अंडर 16 टीम के लिए सिलेक्ट हुआ और अंडर 16 इंडिया और अंडर 19 इंडिया खेला मैं। नहीं, अभी एक्सपीरियंस इधर बहुत काम आता है क्योंकि हम लोग का टीम में यंग लड़का लोग भी है और एक्सपीरियंस लड़का लोग भी है, जैसा मैं हूँ और एक प्रवीण टिगा है, मैं हम लोग का जो वाइस कैप्टन है, तो एक्सपीरियंस लड़का लोग का भी बहुत इसमें टीम में जरूरी रहता है क्योंकि विदाउट एक्सपीरियंस हम लोग ज़्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकते। यंग लड़का लोग भागेंगे ये करेंगे लेकिन एक्सपीरियंस गेम में काम आता है, तो एक्सपीरियंस लड़का लोग का भी बहुत टीम में महत्वपूर्ण रहता है। मैं तो पहले हॉकी खेलता था पर उसमें थोड़ा अच्छा नहीं लगा, खेलने का उतना इंटरेस्ट नहीं लगा, इसलिए मैं फुटबॉल स्टार्ट कर दिया। मेरा जितना बड़ा भाई सब फुटबॉल खेलते थे इसलिए मैं भी वही फुटबॉल का लाइन में ही घुस गया और 2012 में मैं स्पोर्ट्स हॉस्टल सुंदरगढ़ में ज्वाइनिंग किया और वहाँ वन ईयर था। उसके बाद मैं 2016 में BFC ज्वाइन कर लिया मैं उधर। नहीं, सच में वहाँ बहुत सारा प्लेयर जैसे हैं कि जो इंडिया खेलते हैं और बहुत अच्छा अच्छा लड़का सब है, प्लेयर सब हैं, पर ऐसे मेरे को नहीं लगा कि मैं हॉकी में अच्छा खेल पाऊंगा इसे बोल के, इसलिए मैं फुटबॉल पे उधर करियर बनाने के लिए कोशिश किया। नहीं, अभी हम लोग का गवर्नमेंट जो और गवर्नमेंट अपना फाउ मिल के होस्ट कर रहे हैं तो ये बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी हम लोग के लिए कि अपना होम में खेल रहे हैं, अपना होम क्राउड आके हम लोग को सपोर्ट करेगा और मैं अभी अपना होम क्राउड को भी बोलना चाहता हूँ कि आके हमको सपोर्ट करें अच्छा से, जाके हम लोग अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, उन लोग हम लोग को चेयर करेंगे अभी। और अभी होस्ट कर रहे थे हम लोग के लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि अपना होम पे हम लोग अच्छा रिजल्ट लेके हम लोग सेमीफाइनल तक आएंगे, ये चेष्टा करेंगे हम लोग। नहीं, वैसे तो प्रेशर तो हम लोग के लिए वैसे कुछ नहीं है पर हम लोग को और अच्छा लग रहा है कि खुशी लग रहा है क्योंकि हम लोग का स्टेट होस्ट कर रहा है और वो लोग भी हम लोग को बहुत सपोर्ट दे रहे हैं, हम लोग अच्छा खेलेंगे और रिजल्ट करेंगे जैसे कि सेमीफाइनल जाएंगे, इसलिए हम लोग को भी बहुत खुशी है कि वो लोग भी हम लोग को इतना सपोर्ट कर रहे हैं हम लोग अच्छा खेलेंगे बोल के। हम लोग का बहुत लड़का लोग ऐसा है कि इंटरनेशनल टूर नहीं है बहुत ज़्यादा, मैंने 80% लड़का लोग का है ऐसा नहीं है, तो ये उन लोग के लिए और हम लोग के लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि हम लोग अच्छा रिजल्ट करके अच्छा सेमीफाइनल तक क्वालिफाई करेंगे तो हम लोग जाके उधर भी बाहर का एटमोसफियर में खेलेंगे, उधर का ग्राउंड और जो भी है उन लोग को एक्सपीरियंस करेंगे और ये हम लोग के लिए बहुत आगे काम आएगा। हाँ, हम लोग तो वही सोचते हैं कि हम लोग अभी संतोष ट्रॉफी खेल रहे हैं क्योंकि हम लोग अच्छा खेलेंगे, हम लोग 100% देंगे, फिर और कोई क्लब कोई स्काउट करने के लिए आएंगे तो वो लोग देखेंगे और हम लोग को स्काउट करके लेंगे, इसलिए हम लोग अच्छा से मेहनत करते हैं और अच्छा से खेलेंगे।